हेलो दोस्तों, जायका विद तनुजा में आपका स्वागत है। आज लेकर आई हूँ मैं जामुन आइसक्रीम। जामुन के सीजन में आपने जामुन तो बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार जामुन आइसक्रीम जरूर बनाना, जिसमें ना तो मैंने क्रीम का यूज़ किया है ना ही चीनी का यूज़ किया है। तो इस तरह की जामुन आइसक्रीम एक बार आप जरूर बनाएं, जो बनाने में बहुत ईजी है और बहुत फटाफट और बहुत हेल्दी है ये जामुन आइसक्रीम। जो लोग क्रीम वगैरह से बचना चाहते हैं, वो लोग ये आइसक्रीम बनाकर अपने फ्लेवर्स को बदल बदल कर ये आइसक्रीम बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम जामुन ले लिए हैं, अच्छी क्वालिटी के, जिसमें खूब गूदा हो। आप ऐसे जामुन लीजिए और उन्हें बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद हमें उसका गूदा निकाल लेना है, साइड से कट कर करके, और गुठलियों को अलग कर देना। अब इस तरह से सब जामुन की गुठलियां अलग कर दी हैं और जो इसमें गूदा होता है वो अलग कर दिया है। अब एक मिक्सी के जार में मैं इन सबको डाल लूँगी, और डालने के बाद इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून हनी डालूँगी। हनी डालने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो इसमें एक बिटर टेस्ट होता है वो इससे कम हो जाता है, इसलिए इसके अंदर हनी जरूर डालें। शहद डालने के बाद हम इसको पीस लेंगे। इसमें कोई पानी नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, बस शहद डालने के बाद इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसको अब एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये सारा पेस्ट निकालने के बाद आप एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि पानी बिल्कुल भी ना डालें। अब इसके बाद हम हंकड़ लेंगे। ये मैंने 500 ग्राम दही लिया था, उससे ये मैंने हंकड़ निकाला है, उससे ये 300 ग्राम के करीब हंकड़ निकल गया है। हंकड़ की रेसिपी मैंने श्रीखंड में और आमखंड दोनों में आपको दी हुई है कि हम हंकड़ कैसे बनाते हैं। आप उसको देखकर हंकड़ को बना सकते हैं। और इसमें हंकड़ डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। वैसे इतना मुश्किल नहीं है हंकड़ बनाना। हम एक कपड़े में, एक मलमल क्लॉथ में सारा दही को बांधकर 3 से 4 घंटे के लिए अगर हम उसको टांग देंगे तो वो हमारा हंकड़ बन जाता है। अब हंकड़ मैंने बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 कप हम मिल्क मेड डालेंगे। मिल्क मेड से इसमें एक स्वीटनेस आएगी और एक क्रीमीनेस भी आएगी, इसलिए इसमें मिल्क मेड जरूर डालें। और मैंने इसके अंदर थोड़े से पिस्ता और जामुन काट के डाल दिए हैं, उससे एक जो हम जामुन मुंह में आएगा उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए काट के जामुन जरूर डालें। अब एक किसी भी ऐसे बर्तन में जो एयर टाइट हो उसमें हम इस सब मिक्सचर को डाल देंगे, क्योंकि हमें आइसक्रीम जमानी है तो एयर टाइट होना चाहिए। अब इसके ऊपर भी थोड़े से जामुन और जो पिस्ता है उनको हम कटे हुए को डालकर डेकोरेट कर देंगे, और इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अब आप 3 से 4 घंटे के बाद देखिए आइसक्रीम बिल्कुल जमकर तैयार है खाने के लिए। तो आप इस तरह की, जब जामुन का सीजन आ रहा है तो इस तरह की आइसक्रीम जरूर बनाइए। मैं इसमें आपको हंकड़ में भी और भी नई नई तरह की आइसक्रीम जरूर बताऊंगी, क्योंकि हंकड़ में हम बहुत सारे फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं। अभी मैंने आपको जामुन की रेसिपी दे रही हूँ, इसके बाद मैं और भी आपको जल्दी ही और रेसिपी दूंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।